क्या नाम है आपका? विशाल। क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ चेतन यूनिवर्सिटी में। तो हम जैसे हमें बहुत दिक्कतें आ रही, जैसे हम चेतन यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो इस टाइम हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन कुछ भी हमारा जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की किताबें तो प्रोवाइड कराती नहीं, तो हम ऑनलाइन तो हमारे कोई भी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। और हमें दुकान पर सामान लेने आया था, सामान जो मैंने इनको ऑनलाइन पेमेंट की तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाई। और हम दूर में पीजी में रहते हैं तो पीजी में हमें कैश रख नहीं देते, पेमेंट्स ऑनलाइन कर देते हैं। तो हमें दो दिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दो दिन से कुछ यहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ बंद है, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसकी वजह से, नेट की वजह से। क्या नाम है? क्या नाम है? सुरेंद्र पाल। तो क्या समस्या आ रही है जैसे कि नेट के कारण? बस ये है जी कि जो ऑनलाइन पेमेंट होती है 10-20 रुपए वाली कोई चीज़ बच्चा लेता है, कोई भी कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे जेब में पैसे रखते नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रही, उसके बाद जैसे वापस जाते हैं, छोटी छोटी दुकानदारी है उसी पर असर पड़ रहा है, ये है जी मेन बात। तो लंबा चल सकता है किसानों, आगे भी नेट बंद रह सकता है, नुकसान होगा? देखो नुकसान तो हमें तो है ही है जी, नुकसान नेट के बंद होने से नुकसान तो है ही है। तो सरकार को बातचीत करें? तो सरकार को देखो सुननी चाहिए सभी की, क्योंकि प्रजा है, प्रजा की सुननी चाहिए सरकार को, सुननी चाहिए सरकार को सब बातें। जो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। तो क्या समस्या आ रही है नेट? समस्या नेट से प्रॉब्लम आ रही है, सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट की हुई है सारी, तो अब पेमेंट हम कहाँ से करेंगे? नेट बंद करने का क्या मतलब? किसान आंदोलन कब तक चलेगा ये थोड़ी ना पता है, 3 दिन हो गए प्रॉब्लम हो रही है, आगे भी कब तक बढ़ेगा ये सरकार जिम्मेदार करेगी ना। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है जैसे नेट की? पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट आनी है, जो पेमेंट करनी है ट्रांजेक्शन सारी रुकी पड़ी है, तो कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट जो कर रखी हैं तो कैसे होगा उसका? नेट बंद करने से समस्या थोड़ी ना हल हो जाती है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो क्या किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए? सरकार को बातचीत करनी चाहिए किसानों के साथ, और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। जी क्या नाम है? मेरा नाम जसबीर भट्ट है जी। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि नेट नहीं चल रहा? ये पिछले 3 दिन के लिए सरकार ने बिना किसी अल्टीमेटम के बंद कर दिया है, बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर पेमेंटें हम गूगल पे से करते हैं, ना कोई पेट्रोल पवा पा रहे हैं, ना कोई दुकान से सामान खरीद पा रहे हैं, और ना ही क्योंकि नेट का तो आज लाइफ के अंदर बड़ी यूज इसका हो गया है, तो बड़ी परेशानी हो रखी है, क्योंकि फ़ोन जो है एक डिब्बा बन के रह गए हैं बिना नेट के, जो है बड़ी परेशानी है। बच्चों को भी बड़ी परेशानी है, वो अपने क्योंकि आजकल वैसे पेपरों का समय है, तो कोई भी अपना सिलेबस वगैरह वो ऑनलाइन कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं, बड़ी समस्या इस वक्त हो रखी है। क्योंकि सरकार जब बंद करे तो कम से कम इसके पहले कोई इंतजाम उनको जरूर करना चाहिए, पिछले कल से इसको बंद है और ये कल तक का अल्टीमेटम, अब ये नहीं पता अभी आगे भी जो है शायद इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि किसान जो है कल अल्टीमेटम उनका, और उसी के संदर्भ में इसको बंद किया गया था। परेशानी ज़बरदस्त है, देखते हैं आगे क्या होगा। जी क्या नाम है? मेरा नाम कुलवंत सिंह है जी। नेट बंद है तो क्या समस्या? हाँ बिल्कुल है जी, नेट की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काम काज सारे ठप पड़े हैं, ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन है या ऑनलाइन वर्क है जो, तो सारे का सारा बंद हो चुका है, और इससे पढ़ाई भी बच्चों की पढ़ाई जो, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं बच्चों के, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे भी बच्चों का इस पे असर पड़ रहा है, और बिल्कुल ही फ़ोन मात्र एक डब्बा बनकर रह चुका है आज के दौर पे, क्योंकि 3 दिन का जो सरकार की ओर से अल्टीमेटम दिया गया कि 3 दिन नेट बंद रहेगा, तो 3 दिन में बहुत बड़ी समस्या इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो किसान आंदोलन लंबा चल सकता है तो क्या लगता है? बिल्कुल हाँ, देख जिस तरह पहले कुछ साल पहले भी किसान आंदोलन की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, इंटरनेट आवाजाही में बहुत सारी दिक्कतें देखी उन्होंने, तो सरकार से यही गुजारिश है कि किसान और सरकार आपस में बैठ कर बातचीत करें और इसका कोई हल निकालें, ताकि बार बार की ये समस्या लोगों को ना झेलनी पड़ेगी।